हमें अक्सर ये बताया जाता है कि इंजीनियरिंग एमबीए एमबीबीएस की पढ़ाई करके शत प्रतिशत सफलता पाई जा सकती है। इनके अलावा बहुत से ऐसे भी कैरियर ऑप्शंस हैं जहां बेहतर कैरियर बनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम बातें कैरियर की। इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं कुछ नए लीक से हटकर कैरियर ऑप्शंस और उनमें सफलता पाने के एक्सपर्ट एडवाइसेस। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं आज की हाइलाइट्स। जानेंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में, देखेंगे कैसे बनाएं कैरियर मजबूत, मिलेंगे कैरियर काउंसलर से, जानेंगे देश भर से रोजगार समाचार। दोस्तों, हम सब में कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफर छिपा होता है, अपने इस टैलेंट को एक कैरियर ऑप्शन में तब्दील कर सकते हैं। आइए जानते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में हमारे सेगमेंट कैरियर दर्पण में। फोटोशूट्स ने हमेशा ही युवाओं को काफी आकर्षित किया है। हम सब में कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफर छिपा होता है। अलग अलग चीजों की फोटो खींचना सबको बेहद पसंद होता है। आप अपनी इस हॉबी को एक अच्छे कैरियर ऑप्शन में तब्दील कर सकते हैं। यूं तो फोटोग्राफी कई प्रकार की होती है, जैसे फैशन, प्रोडक्ट, वेडिंग आदि फोटोग्राफी। इनमें से चर्चित है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जिसमें वन्य जीव जंतु की फोटो खींची जाती है। वाइल्ड लाइफर होने के लिए आपको जानवरों के नेचर का, बिहेवियर का, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, ये भी ज़रूरी है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जब हम वर्कशॉप्स करते हैं, खाली फोटोग्राफी नहीं, जानवरों के बारे में भी बताते हैं कि किसका क्या बिहेवियर है, जब वो कैसे एक्ट कर रहा है उसका क्या मतलब है, आपको कहाँ डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्या करना है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और इट इज़ जस्ट लाइक योर टीचिंग एंड दैट इज़ लाइक अ करियर, आई वुड से। लाइक इन इंडिया राइट नाउ हमारे पास ये स्कोप है, तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। मैं समझता हूँ कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए आप में अगर पेशेंस नहीं है तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो आपको एक बार में मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जाते हैं लेकिन दो दो तीन तीन दिन के इंतज़ार के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, और कई बार हम कुछ सोच के ही नहीं जाते हैं, किस्मत होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, तो एक दिन में वो शॉट हमारे को मिल जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जितनी देखने और सुनने में मजेदार लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। आपको घने घने वनों में जाकर विशाल जीवों की तस्वीर कैमरे पर उतारनी होती है। इस काम को करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। रिस्क बहुत ज्यादा, मतलब समझें तो बहुत ज़्यादा, ना समझें तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऐसे मोहित हो जाते हैं एनवायरनमेंट में और जानवरों में कि आप रिस्क के बारे में उस वक्त सोच ही नहीं सकते। मतलब ये वाइल्ड लाइफर होने की कमज़ोरी है, क्योंकि आप इतने सम्मोहित हो जाते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितना डेंजर है। जैसे अभी जो टाइग्रेस बच्चों के साथ मैंने खींची है, एक पॉइंट पे जिप्सी बंद हो गई थी और टाइग्रेस चलते चलते इतनी करीब आ गई, क्योंकि जितना टाइम ड्राइवर को फिर से स्टार्ट करने में लगा शी वॉज क्वाइट क्लोज। बट ये है कि क्योंकि एनिमल भी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप एनिमल्स की रिस्पेक्ट करोगे, अपना सेफ डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे, तो एनिमल्स भी आपकी रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं। फोटोग्राफी के अपने इस पैशन को आप कैरियर में तब्दील कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर 3 महीने से 1 साल तक का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के दौरान आपके कैमरे से जुड़ी तकनीकों के बारे में पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आउटडोर टूर्स पर भी ले जाया जाता है। फोटोग्राफी का कोर्स करने के लिए एज लिमिट नहीं होती, आप जब चाहें तब इसमें सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। हम किसी भी क्षण के अंदर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं कि हाँ, आप किसी भी चीज़ को देखते हो, आप उस चीज़ को एक अलग नज़रिए से भी देख सकते हो। एंगल चेंज करो अपना, अलग अलग नज़रिया यूज़ करो, अलग अलग फोटोग्राफर से, उन सबके अलग अलग तरीके फोटोग्राफ कैप्चर करने की। उसके बाद ऑफ कोर्स टेक्निकल चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे शटर स्पीड होती हैं, अपर्चर होती है, ये कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें जो सभी को पता होनी चाहिए अगर आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो। फोटोग्राफी का लेकिन कोई एज नहीं है, आपको काम आना चाहिए, और अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपसे ये कोई नहीं पूछता है कि आपके पास डिग्री क्या है,
वो आपका काम देखते हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको डेफिनेटली वो काम देते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैशन। अगर आप में धैर्य है और आप लीडर हैं तो आप एक अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने का जज्बा अगर मजबूत हो तो विकलांग होना कोई मजबूरी नहीं बन सकती। कैसे जानने के लिए देखते हैं कैरियर मंत्रा। हम में से ज्यादातर लोग डिसेबिलिटी को अभिशाप मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे अभिशाप न मानकर एक साधारण जीवन जीने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। ऐसे बच्चे और युवक हमारे समाज के लिए गजब की मिसाल हैं। हमने सब डिसेबिलिटीज के बच्चों को एडमिशन दिया है, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी के केसेस हैं। इन सभी बच्चों को हम फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी के द्वारा हम इनकी एबिलिटीज़ को निखारते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य इन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देना है जो समाज में हर नॉर्मल बच्चे को का हक है। इन बच्चों के साथ सबसे पहले प्यार की ज़रूरत होती है, जो हम इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मेहनत की ज़रूरत भी होती है। मैं एज ए स्पेशल एजुकेटर के साथ एक स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात के लिए, धूप में भी, बरसात में भी। हाल ही में फंक्शन का आयोजन किया गया। यहाँ डिसएबिलिटी से ग्रस्त बच्चों ने मिसाल कायम कर दी। उन्होंने वो सब कर दिखाया जो हम और आप साधारण होने के बावजूद कर सकते हैं। बच्चों ने गानों की धुन पर बड़े मन से नाचकर सबको दिखा दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो विकलांगता भी रोक नहीं सकती। आज के प्रोग्राम का उद्देश्य समाज में जागृति पैदा करना था विकलांग बच्चों के बारे में, उनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का था। मेरा यहाँ व्हीलचेयर डांस था। चम्परोट पहले से बोलने लगा है, व्हीलचेयर आज जिस तरह से फर्स्ट डे उसने आज व्हीलचेयर चलाई है, अपने हाथ से इंडिपेंडेंट व्हीलचेयर चलाई बच्चे ने। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि उनको इस तरह का व्यवहार न करके इस स्कूल के तब भी सहयोग करें और बच्चे को नॉर्मल वे से देखें। बच्चों को वो सारे कार्य करना सिखाया जाता है जो एक साधारण व्यक्ति करता है। अपने खान पान से लेकर ड्राइंग, पढ़ाई, सेल्फ ग्रूमिंग तक ट्रेनिंग इनको दी जाती है। इतना ही नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग से इनको रोजगार के लिए तैयार किया जाता है ताकि ये किसी पर मात्र बोझ बनकर ना रह जाए। आपको जानकर शायद यकीन नहीं होगा कि इनमें से कुछ युवक खेल कूद में भी अपना नाम रोशन करके मेडल पा रहे हैं। स्पेशल विंग में हम लोग स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेटर द्वारा पढ़ाते हैं, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट, अलग अलग तरह की सुविधाएं दी हुई हैं। इन बच्चों को जो नॉर्मल नहीं है उनको नॉर्मल के साथ बैठाएंगे या नॉर्मल के साथ खिलाएंगे तो उनकी इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज का आयोजन किया है जिसमें 18 साल से ऊपर के बच्चों का हम एडमिशन करते हैं। उन्हें वो तकनीकी चीज़ें सिखाते हैं जिससे वो समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। हम उन्हें डोना पत्तल, हम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग में सक्षम बनाते हैं कि वो अपने लिए दो पैसे कमा सकें, अपने समाज पर और अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट ना रहें। यूं तो हमेशा ही विकलांगता को हम अभिशाप मानते हैं और अपने नसीब को कोसते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हिम्मत और सच्ची लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विकलांगता के शिकार लोग हमारी नफरत नहीं, प्यार के भागी होते हैं। इसीलिए पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट दें और इनकी बीमारी को लाचारी का नाम ना दें। वो ये ना समझे कि ये मेरे ऊपर बोझ है, ये सोचे भगवान का प्रसाद है और इस प्रसाद को वो प्यार से लें ताकि ईश्वर उनके ऊपर जो देखने वाला है वो भी उन पर कृपा रखे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन युवाओं को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है, जहां हजारों लोग डिसएबिलिटी को मजबूरी मानकर उम्मीद छोड़ देते हैं और जिंदगी से हार मान बैठते हैं, वहीं ये बच्चे और युवा इसको एक संघर्ष के रूप में लेकर जीने का नया रास्ता खोजते हैं और आम आदमी की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। जानेंगे और भी कैरियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries.
One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? ये है डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री। पैदाइशी तो ये मुसलमान हैं, लेकिन रिसर्च के अपने काम के खातिर इन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई है। मेरा ये नाम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का दिया हुआ खिताब है। ये शास्त्री कुरान शरीफ में जो सूरह फातिहा है, जो पहले पेज खोजिए कुरान शरीफ का, तो पहले पेज में वो सूरह फातिहा मिलता है। तो दुनिया का कोई भी मुसलमान नमाज जब पढ़ता है तो एक सेकेंड भी ऐसा टाइम नहीं गुजरता जिसमें कि यह सूरह फातिहा न पढ़ी जाती है। इसके बिना नमाज ही नहीं होती। ठीक ऐसे ही वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये है। तो इसी पे मैंने PhD की। दोनों को देखिएगा तो ये जड़ में एक ही चीज है। जो प्रेरणा इसमें मिल रही है, जो आकांक्षाएं जो हैं सूरह फातिहा में निहित हैं, बिल्कुल वही आकांक्षाएं, वही जिज्ञासा, वही याचना गायत्री मंत्र में है। और एक ही बात अपने प्रभु से दोनों समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ये पता ही नहीं है कि यह महानतम शीतल छाया एक ही महावृक्ष का की छाया है। ये मौका है विश्व शांति और समन्वय से जुड़े एक सम्मेलन का, जहां न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से टीचर्स, प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस इकट्ठा हुए हैं। इनका मानना है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति सिर्फ नंबरों की होड़ यानी कंपटीशन की भावना ज्यादा पैदा करती है। समन्वय भावना की कमी के चलते युवाओं में भटकाव आ जाता है। It's important for everybody, but without the culture of peace, we cannot empower young people. Young people are deciding a future, right? So in the development for the development of the the nation or societies, we have to empower and trust young people for their future development. लोग मुल्कों का झगड़ा सिविलाइजेशंस के ऊपर नहीं है, मुल्कों का झगड़ा रिलीजन के ऊपर नहीं है। जो रियल मकसद है, जो रियल फैक्टर है, वो तो इकोनॉमिक पावर है। 19th सेंचुरी की सारी हिस्ट्री देख लीजिए, यानी लेनिन ने करेक्ट बात कही, इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म लीड्स टू वॉर ऑल्सो। तो लड़ाई झगड़े के जो कारण है वो रिलीजियस फैक्टर्स नहीं है। वर्तमान समय में आज के युवाओं को ये समझना है कि कैरियर बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी जरूरी है। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे इन शिक्षाविदों का मानना है युवाओं को नौकरी पाने और कैरियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस जैसे विषयों के साथ साथ सामाजिक सरोकार वाले सब्जेक्ट, मसलन विश्व शांति और समन्वय की भावनाओं को समझना भी आवश्यक है। शिक्षा की वस्तु को है ना हारमोनी और पीस सेंट्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम शिक्षा की वस्तु को जो एग्जिस्टेंस में जो इनेट या एग्जिस्ट करती हुई जो हारमोनी है, यदि इस हारमोनी को ध्यान में रख के दर्शन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको हम फिलॉसफी ऑफ हारमोनी कह सकते हैं, और उसके आधार पे सोशल हारमोनी थ्योरी, पॉलिटिकल हारमोनी थ्योरी, रिलीजियस हारमोनी थ्योरी इसको डेवलप करते हैं, तब जाके एजुकेशन का कंटेंट और कैरिकुलम जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये एक बड़ा काम है इसमें। तो ये बहुत सारी संस्थाएँ जो हैं बहुत वर्षों से इस पे प्रयास कर रही हैं। अच्छी नौकरी, अच्छे कैरियर के साथ सफलता के मुकाम पर पहुंचने के लिए युवाओं को एक अच्छा इंसान होना भी चाहिए। इसीलिए कैरियर की पढ़ाई के साथ साथ भारतीय युवाओं को सामाजिक सरोकार से जुड़ना भी जरूरी है। इस बार कैरियर काउंसलर में हम आपको बताएंगे संगीत के क्षेत्र में आप कैसे बना सकते हैं एक उज्ज्वल भविष्य।
तो आइए जानते हैं कैरियर एक्सपर्ट से क्या कैरियर स्कोप है म्यूजिक इंडस्ट्री में। हर इंसान के दिल और जान में एक खास चीज बसती है, वो है संगीत या म्यूजिक। हम और आप बिना संगीत के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संगीत से प्रेम करने वाले लोग इसमें एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे कैरियर एक्सपर्ट से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि म्यूजिक से उनको प्रेम होना चाहिए, म्यूजिक से प्यार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको म्यूजिक से प्यार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, म्यूजिक को सुनने की और समझने की शक्ति चाहिए आपके अंदर, और फिर उस चीज़ को निखारा जा सकता है। लेकिन ये दो बेसिक गुण हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अगर आप टोन डेफ हैं, आपको सुर का बिल्कुल समझ नहीं है, तो फिर म्यूज़िक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप म्यूज़िक चाहते हैं, प्यार करते हैं और आपका टोन ठीक है, तब उसको आपकी कला को निखारा जा सकता है। अगर आप इंडिया में इंडियन म्यूज़िक कुछ करना चाहते हैं तो आपको हिंदी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप कर्नाटक शैली से सीखें या भातखंडे शैली से सीखें। और ये दो शैलियाँ हमारे देश में प्रचलित हैं, और तो इसका ज़रूरी है आपको समझना। अब अगर आप वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहते हैं तो उसमें कई लेवल्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं आज की डेट में, और कई प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं जहाँ पे आपको सिखाया जाता है। नहीं तो जो कि भातखंडे विश्वविद्यालय है, बहुत प्रचलित है लखनऊ का, वहाँ पे आप जाके सीखें। और कई लोगों ने एकेडमी शुरू करी हुई हैं आजकल, सो काफ़ी अवेलेबल हैं चीज़ें। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं और उन कोर्सेज को ले सकते हैं। और अगर आप डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो फिर डायरेक्शन के भी कई कोर्सेज अवेलेबल हैं आज की डेट में, जहाँ आपको सिखाया जाता है कि अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ कैसे काम किया जाए। भारत का संगीत से काफी गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। युगों से चले आ रहे इस कला को एक अच्छे कैरियर ऑप्शन की तरह परखा गया है। किशोर दा, मनाडे, रफी, लता मंगेशकर, A.R. रहमान ने संगीत के क्षेत्र में खासा नाम कमाया है। आप भी हो सकते हैं इनमें से एक। बहुत एक्सेप्टेंस हो गई है इंडियन म्यूजिक की वर्ल्ड वाइड, एक नॉलेज हो गई है वर्ल्ड वाइड, सो स्कोप बहुत है और काम करना आसान हो गया है पहले से। म्यूजिक इंडस्ट्री में कैरियर की शुरुआत अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप संगीतकार बन सकते हैं, विशाल शेखर की तरह म्यूजिक डायरेक्टर भी बन सकते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो कि सारे म्यूजिशियंस को लेके उनके साथ जो उनका बेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल सके, सिंगर को बता सके कि हम इस गाने में कौन सा इमोशन चाहते हैं, और जो फिल्म का डायरेक्टर होता है उससे समझ सके कि इस फिल्म की फील क्या है, और उसको मिला के एक पर्सन जो कि जो पूरा एक अपने पूरी टीम को लेके एक प्रोडक्ट बनाता है, जो गाना तैयार होता है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और म्यूज़िक डायरेक्टर को कई चीज़ें आनी चाहिए। हर एक म्यूजिशियन म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बन सकता है, और पर हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर को म्यूज़िक बजाना ज़रूरी आना चाहिए। सब इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज ना हो, लेकिन म्यूज़िक की जानकारी होनी ज़रूरी है। कम से कम एक या दो वाद्य यंत्र बनाना आने चाहिए म्यूज़िक डायरेक्टर को, जिससे कि वो अपनी कंपोजिशंस कर सकें। म्यूज़िक अरेंजर जो होता है वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर से समझता है कि उसको, जो मैंने आपको बताया था कि म्यूज़िक की प्रोग्रामिंग की जाती है, तो उस प्रोग्रामिंग को जो पर्सन अरेंज करता है उसको हम म्यूज़िक अरेंजर कहते हैं। पहले की डेट में भी म्यूज़िक अरेंजर होते थे, उनका काम होता था कि जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट करना कि कब कौन सा पीस आएगा, क्या बजेगा। आज की डेट में वो रोल थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, और मॉडिफाई होकर ये हो गया है कि अब कंप्यूटर पे वो अरेंज करते हैं और बताते हैं कि कब कौन सी चीज़ कितनी ज़ोर से बजेगी, कितनी धीरे से बजेगी, और कहाँ पे कौन से इमोशंस आएंगे। ये इंडस्ट्री दूर से देखने में बेशक काफ़ी रोचक और आसान लगती हो, लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत और तपस्या करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप जब काम करते हैं तो दिन में 8 से 9 घंटे काम करते हैं, तो कम से कम उतना टाइम आपको म्यूज़िक को भी देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो रियाज, जितना आप रियाज करेंगे उतनी आपकी म्यूज़िक में मिठास आएगी। म्यूज़िक के प्रति निष्ठा और आपकी सच्ची लगन आपको इस इंडस्ट्री में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries.
One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? इस हफ्ते के रोजगार समाचारों में हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है कुछ बड़ी कंपनीज की वैकेंसीज। यहां आवेदन करके आप अपना भविष्य और मजबूत बना सकते हैं। आइए देखें एम्प्लॉयमेंट न्यूज। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करती है। मेडिकल ऑफिसर्स, जूनियर क्लर्क जैसे पदों के लिए अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि है 25 दिसंबर 2014। अधिक जानकारी के लिए BHU की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक के पास BTech की डिग्री होना अनिवार्य है। सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल जैसे पदों में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2014। अधिक जानकारी के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि TNPSC चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जैसे पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। अगर आपके पास डिग्री इन न्यूट्रिशन या होम साइंस या अन्य कोई डिग्री है तो आप 26 दिसंबर 2014 से पहले इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। दिल्ली कंटेनमेंट जनरल हॉस्पिटल विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज जैसे पदों के लिए आपके पास अनुभव के साथ सही क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका पियॉन, स्वीपर्स, वॉचमैन जैसे पदों के लिए भर्ती आरंभ करता है। आवेदन करने के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है 29 दिसंबर 2014। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल्स जरूर करते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है bckddnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए DD News। नमस्कार।